साथी जब पढ़ने बैठते हैं तो किन बातों का विशेष तौर पर ख्याल रखें जिससे उनको सक्सेस मिले। कई बार पढ़ते हैं लेकिन मन नहीं लगता, मन चंचल होता है या फिर सफलता नहीं मिलती है। 10-12-14 घंटा पढ़ ले पर एग्जाम नहीं निकला, कोई 7 घंटा पढ़ के निकाल लेता है, ऐसा क्यों होता है? क्या इसके पीछे भी कोई शास्त्र है? देखिए, ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से पंचम भाव जो होता है विशेष रूप से शिक्षा का होता है। तो पंचम भाव जिसका अगर मजबूत है तो उसको कुछ दिक्कत नहीं, वो लगातार किसी भी माहौल में पढ़ लेगा, कहीं बैठा दीजिए, किसी भी तरफ से कर दीजिए। लेकिन जिसका एकाग्रता कमजोर है उनको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। घर के ईशान कोण में बैठ के पढ़े, पूरब या उत्तर मुख करके पढ़े, ठीक है, और बैठ के पढ़े, लेट के नहीं पढ़े। और थोड़ा सा वहाँ पे अगर लगा सकता है तो एजुकेशन पिरामिड लगा दे या एक सरस्वती देवी का एक फोटो लगा दे, उनसे प्रार्थना करके पढ़े। और यदि वो उपनयन संस्कार जिसका हुआ है विशेष रूप से, यदि वो गायत्री मंत्र का पाठ कर ले नियमित रूप से, तो उसके पढ़ाई में विशेष रूप से सुधार होगा, सफलता मिलेगी निश्चित रूप से। जब एकाग्रता होगा, व्यक्ति अच्छे से पढ़ेगा तो सफलता तभी मिलेगा।